माना एहसान साहब, ये जो हल्का है, इस हल्के से आपके वालिद साहब मुंतखब होते हैं 2018 में, वो लूज़ कर गए, तो आप इसी हल्के से इलेक्शन के यहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन MLA का? देखिए, ये 1997 से मेरे वालिद साहब इधर से इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं हर इलेक्शन में उनके साथ होता था। इस हल्के में मैं पला बड़ा हूँ, ये मेरा यहाँ घर हमारा इसी हल्के के अंदर है। इंशाल्लाह ताला मैं NA 104 का जो नया इसका जो नंबर है, इधर से इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे ऑब्लाइज करेगी इधर से PMLN के टिकट से, और यहीं से मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो आपके मद्दे मुकाबले तो राजा रियाज साहब PMLN के टिकट लेने के उम्मीदवार हैं? देखिए, राजा रियाज साहब बिल्कुल अभी तो वो अपोजिशन लीडर हैं और जहांगीर तरीन साहब ने अभी उनको बुलाया तो वहाँ भी चले गए। तो अभी देखें सियासत किस करवट बैठती है। मैं समझता हूँ कि मैं हकदार हूँ इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए PMLN के प्लेटफॉर्म से। वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं PMLN के अंदर, लेकिन ये पार्टी क़यादत का फ़ैसला है। जो पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इधर से मुझे ओब्लाइज करेगी। 30 साल 25 साल इस हल्के से हम पार्टी को के झंडे को लेके यहाँ से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। सियासी तौर पे बेइंतहा डेवलपमेंट के काम हमने इधर किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। इस हल्के के मसाइल क्या हैं? देखिए, ये शहरी हल्का है। मेन तो यहाँ जहाँ हमारा फोकस रहा, 4 बड़े नाले थे इधर जो कि ओपन नाले थे, तो वो तो मेरे वालिद साहब के दौर में हमने उनको ख़त्म कर दिया और पक्का कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। इसके अलावा देखें, एजुकेशन, शहरी इलाकों में एजुकेशन का बड़ा इशू होता है, तो एजुकेशन के ऊपर हमारी तवज्जो रही। जितने स्कूल्स हैं उनको इक्विप किया गया, जो मिडिल थे उनको हाई किया गया। तो ये जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ जो मेन इश्यूज़ होते हैं वो आपकी जो गली नाली के जो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यहाँ हमने कोशिश की है, कुछ पसमानदा इलाके हैं हमारे हल्के के अंदर जो कि आप कह लें कि जो सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे और अनऑर्गेनाइज जो आबादियाँ बन जाती हैं, तो वहाँ ये इशू सीवरेज वगैरह के हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ लोगों की नौकरियाँ, लोगों का जो है रोज़गार, इस तरह के ज़्यादा इशूज़ हैं। जो आपके पानी का एक इशू है कुछ इलाकों में, पानी, मीठे पानी का भी इशू है, तो ये ओवरऑल वही इशूज़ हैं जो शहरी इलाकों में इशूज़ होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने जितना टाइम हमें मिला और जो वसाइल थे उस वक्त मौजूदा हुकूमत में, हमने एजुकेशन को फोकस किया, स्कूलों के ऊपर फोकस किया, और फिर उसके बाद हमने जो है ये गली जो है सड़कें गली के ऊपर फोकस। आपके वालिद साहब मिनिस्टर रहे, आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के तर्जुमानों में से एक हैं, आप वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो हल्के के लिए अभी भी आपने कुछ सोचा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त जाहिर सी बात है मेरे पास कोई डेवलपमेंट के तो स्कीम्स नहीं हैं, क्योंकि मैं उस तरह मुंतखब MPA MNA नहीं हूँ, लेकिन मैं रबते में रहा हूँ हल्के की गमी खुशी के अंदर, बिल्कुल शिरकत करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ, लोग अपने मसाइल लेके आते रहते हैं, तो जिस हद तक मैं मुख्तलिफ जो महकमे होते हैं उनको अप्रोच करके, उनके जहाँ चाहे वो बिजली के महकमे हों, गैस के हों, वैसे पुलिस के मामलात हों, तो कोशिश होती है कि लोगों की मदद की जाए जहाँ कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलता है तो आप राजा रियाज साहब को हरा पाएंगे इस हल्के? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं अब नौजवान हूँ और नौजवानों के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, पार्टी की तर्जमानी भी कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ यहाँ जो 30 साल की वाबस्तगी है, यहाँ इलाके के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हमने डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सा डाला है, एक ईमानदारी के साथ डाला है, और मेन चीज़ ये कि लोगों के लिए दरवाज़े हमारे खुले होते हैं, और मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, इस हल्के के अंदर गुजरा है, मैं बड़ा इस हल्के में हुआ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम की जो अवाम के जो लोग यहाँ हमारे हल्के की जो अवाम है वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेगी और मैं इस हल्के को जो है बहुत अच्छे तरीके से अक्सरियत के साथ जो है वो जीत के अपनी पार्टी के लिए जो है यहाँ से सीट विन करूँगा। आपका मुकाबला तरीके इंसाफ के उम्मीदवार से है या राजा रियाज से है? देखिए, मुकाबला तो ऑब्वियसली क्योंकि शहरी इलाका है तो हमारा मुकाबला तो जो दूसरी पार्टी है उसी से ही है, तो मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने 4 साल डेवलपमेंट का तो कोई काम इस शहर में नहीं किया, चाहे वो सड़क नाली हो, चाहे वो हस्पतालों की इम्प्रूवमेंट हो, स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट हो, तो वो चीज़ें यहाँ हल्के की हद तक हमने नहीं देखी। यहाँ अलाइड हस्पताल है उसके अंदर कोई वाजे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई नए सेक्शन नहीं खुले, तो वो भी मेरे हल्के में है, सबसे बड़ा हस्पताल है फैसलाबाद का। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से तो यहाँ PTI जो है वो बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है,
तो बाकी जो है महंगाई का एक इशू है और वो हम आवाम को समझाने में मेरे ख़्याल से कामयाब होंगे कि उसकी ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो भी पीटीआई का दौर है कि जिसने बदहाल और इस मुल्क की मईशत को खोखला कर दिया। तो आज हम तो एक ही काम कर रहे हैं, आईएमएफ की शरायत पूरी कर रहे हैं और अगर ना पूरी करते तो दिवाली हो जाता मुल्क और ये महंगाई शायद अब की हद से 4-5 गुना ज़्यादा होती। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करने में आवाम के अंदर मेरे ख़्याल से कामयाब होंगे और आवाम की जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, तो हम पीटीआई को बदतरीन शिकस्त देंगे। इधर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत